देश भर में पहले चरण के चुनाव का मतदान हो चुका है और अभी 6 चरण के चुनाव में मतदान बाकी है, लेकिन गुजरात के सूरत में एक भी वोट डाले बगैर भारतीय जनता पार्टी के भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को विजयी घोषित कर दिया गया है। वहीं गुजरात के भाजपा अध्यक्ष टीआर पाटिल ने उन्हें जीत की बधाई भी दी है। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंबानी का नामांकन चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था। उनकी उम्मीदवारी इसलिए खारिज की गई थी क्योंकि उनके 3 प्रस्तावकों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को एक हलफनामे में दावा किया था कि उन्होंने उनके नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके बाद चुनाव आयोग ने नीलेश कुंबानी को रविवार तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनका पक्ष जानने और संतुष्टि न होने के बाद उनके नामांकन पत्र को खारिज कर दिया। आपको यह भी बता दें कि अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया था, जिसके बाद भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को चुनाव आयोग ने विजयी घोषित कर दिया। उन्होंने इस पर बोलते हुए कहा कि मेरा विजय के साथ पहला कमल खिला है, जिससे मैं पीएम मोदी को समर्पित करता हूं। हम लोग विकास विकसित भारत के लिए मत मांग रहे थे, हम लोग नरेंद्र भाई मोदी साहब के काम पर मत मांग रहे थे। आज गुजरात में, सूरत में, देश में पहला कमल खिला है। मैं ये कमल आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व पुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूँ। किस प्रकार की ये पूरी घटना बनी जब आपको चुनाव ही नहीं लड़ना पड़ा और आप ऐसे जीत गए, क्या रहा पूरा घटनाक्रम? घटनाक्रम में क्या है, कांग्रेस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बाकी जो उम्मीदवार थे इन्होंने नरेंद्र भाई मोदी साहब का जो विकसित भारत की जो कल्पना है इनको 60 देकर अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया, बस यही चीज है। आप क्या कहेंगे, भाजपा बार बार कहती रही कि हम देश को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे और आज सूरत एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर ना पार्षद है, ना विधायक है और अब सांसद भी नहीं है, क्या रहा मुद्दा? अब क्या इसकी शुरुआत जो हुई है पूरे देश में सफल रहेगा? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है और इनकी शुरुआत सूरत सिटी ने बहुत पहले कर दी थी। पार्षद 0, MLA 0, MP 0 और अब तो उम्मीदवार भी 0। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए भाजपा पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, 7 मई 2024 को मतदान से लगभग 2 सप्ताह पहले 22 अप्रैल 2024 को सूरत लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। मोदी के अन्य काल में MSME मालिकों और व्यवसायियों के संकट और गुस्से ने भाजपा को इतनी बुरी तरह डरा दिया है कि वे सूरत लोकसभा को मैच फिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनावों के बाद से लगातार जीता है। हमारा चुनाव, हमारा लोकतंत्र, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान, सभी एक पीढ़ीगत खतरे में है। यह हमारे जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने 26 में से 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि आप भावनगर और भरूच से चुनाव लड़ रही है। गुजरात में लोकसभा चुनाव के 3rd चरण में 7 मई को मतदान होगा।